हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है हॉप टॉप की प्रॉब्लम्स के बारे में। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स इसकी मैं डिस्कस करूंगी, बिकॉज अगर आपने मॉड्यूलर किचन बनवाया है या फिर बनवाने वाले हैं या फिर अपनी किचन को जो रीडू करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा काइंड ऑफ। बिकॉज आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि लाइक कुक टॉप एंड हॉप का कंपैरिजन बताया गया है, और हॉप टॉप बेटर है, बेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में देखा है कि उन्होंने जस्ट हॉप की पिक्चर्स और कुक टॉप की पिक्चर्स इंक्लूड की हैं अपनी वीडियो में। किसी के पास भी उसका लाइक एक्सपीरियंस नहीं है कि मतलब दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सब किसी को मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। सो आज मैंने सोचा कि मैं इसी के बारे में YouTube पे एक वीडियो बना के बताऊंगी, बिकॉज मेरे घर में दोनों ही हैं। लाइक हॉब भी है मेरे पास, पहले तो बता दूं कि घर में दो किचन है, एक आउटडोर किचन है और एक ये वाला जो किचन है मॉड्यूलर वाला। ये तो इस वाली किचन में मेरे पास है हॉब, ये वाला जो हॉब है ये है हमारा प्रेस्टीज का 4 बर्नर हॉब। और जो मेरी आउटडोर किचन है उसमें मेरे पास जो रेगुलर नॉर्मल वाला होता है ना कुक टॉप स्टील वाला, सो वो है। एंड जो मेरी पहले वाली किचन थी जब ये मतलब मॉड्यूलर बनाने के पहले, तो उसमें मैंने जो ग्लास टॉप वाला कुक टॉप होता है वो भी इस्तेमाल करके देखा है 3-4 साल तक। तो इन सभी जो कुक टॉप एंड हॉब का एक्सपीरियंस है वो मेरे पास है। तो हॉप को इस वाले को यूज़ करते हुए भी मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स। सो मैं इसका बेस्ट आपको जो है बता सकती हूँ कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, या आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो या फिर कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप अपनी किचन में हॉब लगवाते हैं तो। सबसे पहले देखने में ये बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, तो वो सारी बेनिफिट्स वाली चीज़ें हम एक साइड में रख देते हैं इस वीडियो के लिए। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे अभी फेस में ये आ रहा है वो ये है कि मैंने अपना जो काउंटर टॉप ये वाला जो मार्बल है इसे कट करवा के फिर ये फिक्स होता है जो हॉप होता है। तो अभी मैं इसे चेंज करना चाह रही हूँ कि मैं इसे चेंज कर दूँ। मुझे प्रेस्टीज का ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है ये पसंद ही नहीं है, मुझे और कोई मॉडल मतलब लगवाना है, तो वो मैं अब नहीं लगवा सकती। उसका रीज़न ये है कि अभी साइज पत्थर वो कटा हुआ है, तो मैंने सारा इंटरनेट गूगल पे सर्च करके मतलब सब कुछ मैंने सर्च कर लिया, कोई भी और कुकटॉप जो हमारा सॉरी जो हॉब है इस वाले पर्टिकुलर मॉडल के मेजरमेंट का बिल्कुल भी नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या उनकी लेंथ ज़्यादा है, अगर लेंथ सेम है तो उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा कम है, तो सभी में मतलब कोई भी इसके साथ मैच नहीं करता। इसलिए मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। तो आप भी जो भी आप मॉडल लोगे वो सिर्फ उसका स्पेसिफिक जो कटिंग है वो उसी की होगी, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मॉडल सेम कटिंग में आते हैं, नहीं आते, सबकी कटिंग अलग अलग होती है। तो एक बार आपने मार्बल कटवा के इसे लगवा लिया तो उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। और आपको इसी के साथ हाँ एक ऑप्शन है कि मैं इसे रिप्लेस करके इसी वाला मॉडल इसमें फिर से लगवा लूं, लेकिन उसका बेनिफिट क्या, फिर वही मैं एक्सपीरियंस करूंगी। बिकॉज ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस वाले पीस में डिफेक्ट है, बिकॉज यूट्यूब पे मुझे इतने सारे लोगों ने कमेंट किया कि जिनके पास यही वाला हॉब है और उन्हें भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये वाला जो मॉडल्स हैं ये सभी में डिफेक्ट है। तो सबसे बड़ी तो यही है कि मैं इसे चेंज नहीं कर पा रही। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसकी वो ये कि इसके जो बर्नर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो लाइक जो हमारा नॉर्मल वाला कुकटॉप होता है वो मैंने देखा है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो उसे हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं जैसे चाहें, लेकिन इसमें हम इसे वॉश नहीं कर सकते। तो हमें अगर दूध गिर गया तो मतलब इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा कुकटॉप होता है उसे। मेरा तो जो रिव्यू है वो यही है कि
मैं बहुत रिग्रेट है मुझे कि मैंने ये हॉब लिया। अगर मेरे पास कुकटॉप होता ऊपर ही रखा होता सेल्फ पर, तो मैं अगर वो उसमें प्रॉब्लम आती, साल दो साल तीन साल बाद उसमें प्रॉब्लम आती, तो मैं उसे हटाती और नया वाला लगाकर रख लेती। तो अब ये जो हॉब है इसे मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पा रही हूँ। अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे ये पूरा का पूरा मार्बल चेंज करना पड़ेगा, तो एक स्लैब तो मैं चेंज नहीं कर पाती, फिर मुझे पूरी किचन का मार्बल चेंज करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही बड़ा हेडेक है। एक बार हमने जो मॉडल ले लिया, फिर हमें जितना टाइम किचन हम दोबारा रेनोवेट नहीं करते, तो तब तक हमें वही वाला मॉडल यूज करना पड़ेगा, चाहे वो खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वही पर्टिकुलर मॉडल ही हम यूज कर पाएंगे, और कोई मॉडल हम इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते। सो ये बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा, मुझे प्रेस्टीज ने स्पेशली मुझे बहुत टफ टाइम दिया है, तो इसकी फ्लेम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं नहीं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपनी किचन में हॉब लगवाएं, बिकॉज हमारी इंडियन कुकिंग ऐसी है कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है हमारी बाहर की कुकिंग से। सो इसमें बहुत सारे मसाले, ये वो, ऑयल का बहुत ज्यादा यूज होता है, और मिल्क बॉयल बहुत होता है, टी स्पेशली बॉयल होती है, तो ये सब चीजें होती है, तो फिर हॉब तो खराब होगा ही। तो इसलिए आप बेटर है कि इस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, इस वाले पोर्शन में, कि वो लुक में थोड़ा सा इससे कम अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो आपकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी डेली की। मुझे अब इतना ज्यादा इसमें परेशानी आती है कुकिंग में, तो सो मैं यही बताने के लिए यहाँ पर आई थी कि इस वाले, अगर आप हॉब लगवाते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता मॉड्यूलर हॉब्स वगैरह के बारे में, बस आप जस्ट इसके लुक के लिए इसके इसे चूज कर रहे हैं, तो प्लीज आप ऐसा तो मत ही करना, तो आप कुकटॉप लगवा लेना, वो बेटर होगा। तो अभी मैं जब भी अपनी किचन को रीडू करूंगी तो मैं कुकटॉप ही लगवाऊंगी, ये वाला तो मैं निकाल के लिटरली फेंकने वाली हूँ, बिकॉज किसी काम का नहीं है ये। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मैंने आपको हॉब के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में आपको बताया, और अगर आप कोई और भी किचन के रिलेटेड या उसके रिलेटेड किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें। तो ओके, फिर बाय बाय।